मॉर्निंग एवरीवन, नए दिन की शुरुआत। और ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। काफ़ी लेट उठे हैं बिकॉज़ रात को फिर दोबारा से हम लोग लेट आए हैं। कल मैं आपको गुड बाय कहना भूल गई थी, बट अगेन आई एम स्टार्टिंग माई न्यू डे, लेट्स गो। हेलो गाइस, एज यू कैन सी मी आई एम अगेन बैक टू माई बिजी लाइफ एंड हाउ अगेन आई डिडंट हैव सेमिनार टू ड्राइव। आई एम गोइंग टू द मॉल अगेन, क्विक शॉपिंग। आई एम जो ना एक्सचेंज माई आउटफिट्स जो मुझे फिट नहीं आए हैं, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आफ्टर न्यू ईयर आई विल नॉट हैव टाइम। आई थॉट प्रिंस आई विल जस्ट गो क्विकली एंड चेंज सो आई डोंट नीड टू गो टू द पार्किंग एंड पार्क माई कार क्विकली। आई विल जस्ट गेट डाउन फ्रॉम माई रिक एंड फिनिश माई वर्क। आई एम सो हैप्पी। आई डोंट हैव टाइम, बट मुझे फटाफट ये काम खत्म करना था। बीच में मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। आई थॉट मैं आपसे मिलने, मतलब आपसे ऐसे रूबरू हो जाऊंगी जब मैं एक बार बैठ जाऊंगी रस्ते में। सो आई एम गोना गो एंड चेंज। आई एम होपिंग कम भीड़ मिले बिकॉज दिस फेस्टिव सीजन इज गोइंग ऑन। न्यू ईयर की शॉपिंग सब लोग करते हैं। माई शॉपिंग इज डन। ओ गॉड, मैं थक गई हूँ। भागो अब घर की तरफ। सो गाइज, मैं भागते दौड़ते मॉल से वापस आई और एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं एक सामान जल्दी जल्दी में भूल आई और मेरा फोन जो है वो डेड हो गया था। मैंने आते ही चार्ज किया और घर आई तो प्रिंस हो चुका था और हमारे घर की बेल ख़राब हो चुकी है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, आधा घंटा बाहर खड़ी रही। उसके बाद भूख बहुत लगी थी, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फटाफट घर आते ही तैयारी शुरू कर दी। मैंने बनाया है सांभर और डोसा। आप दिखाना चाहती हूँ आपको, ये है मेरा डोसा जो फ़िलहाल बन रहा है। बहुत मेस है किचन में, बट भूख लगी है पहले। आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस एंड देन उसके बाद मुझे निकलना है। कहाँ से सामान लेके दोबारा से मॉल जाना है बताने के लिए कि आपका एक आइटम मिसिंग है। और ये देखिए क्या दिखाऊं मैं आपको सुबह से। आई विश आई वांट टू शो यू गाइस, मैं सुबह से एक ही कंडीशन में प्रिंस बेड लेटा हुआ है। मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ इस चक्कर में। चलिए फटाक से मैं भी डिनर कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ मिलकर बैठ के डिनर करने वाली हूँ। बना सो दिस इज आवर डोसा गाइस। सो गाइस, फिर दोबारा निकल गई हूँ मैं ओ गॉड एक्सचेंज करने के लिए। लाइक हिम्मत है मुझ में इतना दूर। लेट्स गो गाइस। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ मैं क्यों वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक नहीं दो चीजें मुझे ज़ारा वालों ने नहीं दी। मेरा एक बैग नहीं दिया मुझे, इसलिए मुझे सबूत के तौर पे अपनी बाकी की शॉपिंग ले जानी पड़ रही है। मैं क्यों गई शॉपिंग के लिए यार, मतलब आई एम फीलिंग सो डेड फ्रॉम इनसाइड। बट थोड़ी अच्छी बात यह है कि बॉडी में थोड़ा खाना चला गया। जाते ही पहले मैंने दरवाजे खटखटाए, आधा घंटा बाहर रुकी हूँ, खटखट नीचे वॉचमैन के पास गई, प्रिंस सोया हुआ था, प्रिंस ने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन डेड हुआ। फिर मैंने अपना पावर बैंक लिया, उसकी पावर यूज़ की, पर वो भी मेरी तरह डेड था। ओह, एक रिंग गई, मेरा पावर बैंक बंद, मेरा फ़ोन बंद। समहाउ मैं नीचे गई वॉचमैन के पास, सोसाइटी में जाके अपनी मैंने फ़ोन चार्ज किया और उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन लगाए प्रिंस को बैक टू बैक। तो प्रिंस ने बोला हेलो, मैं उठ गया, आई नहीं अब तक। मैंने कहा प्रिंस मैं पिछले आधा पौना घंटे से दरवाजे पे बाहर खड़ी हुई, फिर नीचे गई, तब से ये स्ट्रगल चल रहा है, प्लीज। एनीवेज, जाते ही मैंने फिर फोन साइड में रखा चार्जिंग पे, फटाक से डिनर तैयार किया। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो प्राउड। सांभर डोसा। इट्स डन गाइस, इट्स डन फाइनली। Exit is from that side. भाई साहब ट्रैफिक दिखाऊं आपको?
कैन यू सी मुंबई का ट्रैफिक गाइज। ऑलराइट गाइज, आई एम गोइंग बैक होम फाइनली। जिस स्पीड से मैंने काम खत्म किया मैं ही जानती हूँ। अब मेरे पैर बोल रहे हैं मत चल, बहुत हो गया, ब्रेक ले ले। अब मैं प्रिंस को जाके बोलूंगी आई वांट टू हैव नाइस कॉफी, टेक मी आउट। इस प्रिंस से ना दरवाजा भी नहीं ओपन हो सकता है, पता है। लेट्स सी, अंदर जाके देखते हैं वो कर क्या रहा है। सारा सामान रखा मैंने, उसके बाद दरवाजा क्यों नहीं खोला। मैं जाके भी आ गई यार। ये क्या करके आई हो तुम, कहाँ से युद्ध करके आई हो? मुझे सच्ची बता, शर्म नहीं आते ना, एक बार भी नहीं बोल सकते। मैं छोड़ आता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। सुबह से बिस्तर में अदरक की तरह फैल रहे हो, और मतलब आके भी मैं डिनर बना रही हूँ, रहने दो यार। इधर आओ, इधर आ जाओ सुंदर, इधर आओ। तुम्हारे ही काम करने गई थी। इधर एक मिनट, इधर 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 इधर, हाँ इधर इधर, खुद देखो। गाइस, जो मेरी हालत थी आपने देख ली होगी, अभी ठीक ठाक की है मैंने। मैं तो ऐसे निकल गई थी, फिर मैंने अपना वीडियो देखा, प्रिंस क्यों हंस रहा था। कभी कभी हो जाते हैं गाइस, फनी मोमेंट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। एनीवेज, फिलहाल तो उससे ज़्यादा बदतर हालत हो रही है प्रिंस की, भी देखिए। एंड ही इज थिंकिंग लुकिंग टू गुड। ओके, चलिए गाइस, फिलहाल हम जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए, उसके बाद जाएंगे जिम। मेरी जिम की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो मैं करूँगी एक्सरसाइज, बिकॉज दो दिन हुए ऐसे ही निकल रहे हैं, दो दिन सीरियसली। ओके, न्यू ईयर का यहाँ चल रही है। कहाँ हो तुम सब? मैं तुम्हें ब्लॉक मार रहा हूँ। लवली कैफे गाइज, आई एम हैविंग अमेजिंग कॉफी। कौन सी कॉफी है? वियतनामीज एंड वियतनाम की, मुझे आपको बताना पड़ेगा। कॉफीज बहुत ज्यादा यमी होती है, बहुत फेमस होती है। जब मैं वियतनाम गई थी तो वहाँ से स्पेशली, यार मेरे पास कॉफी रखी है, प्लीज यूज कर लेना। कौन सी कॉफी है? वियतनाम की फेमस कॉफी है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन नहीं होगी, आई डोंट नो, जो भी है ले लेना, मेरे पास पड़ेगा, न्यूज में आ जाएगा। कॉफी बीन्स है, कॉफी ग्राउंडेड कॉफी, ग्राउंडेड कॉफी मिक्स कर लो। वैसे बनाई मैंने प्यार से, ये टेक अवे कर दे आज, हम टेक अवे करके जा रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करने, थोड़ी देर एंजॉय करने जा रही हूं। तो आ चुके हैं हम घर वापस। हाँ, आज आपकी रेंज चलाकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज हमारे हम आगे, अभी हम वापस आ रहे हैं घर, क्योंकि दो घंटे में मेरी फ्लाइट है, दो तीन घंटे में मुझे पैकिंग करनी है। तो दोपहर को 3 बजे है मेरी, अभी 6 बजे मुझे निकलना है यहाँ से। मेरा भी शूट ही है, इवेंट है ना, मतलब वर्कआउट के बाद चला गया था सुयश के घर, और हम मोटा तंदुरुस्त 2024 का पिंपल। मेरी तो हालत कैसे थी, विवाह ऐसे थे बात करी थी आपसे। सो गाइस, पूरा दिन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, इसको दुबाना ही पड़ता है पीओ को, अभी लिफ्ट ऊपर जाएगी। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं, जाके पैकिंग करेंगे, और आज का व्लॉग इतना ही था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग। लिव योर लाइफ एंड लव योरसेल्फ, रिमेम्बर दिस, बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बार मैं आपको इस व्लॉग में यही बात बोलती हूँ, अपने आप से प्यार करो। Oh, oh, oh.
बाय।